धन्यवाद अध्यक्ष जी, जो आपने मुझे मेरे क्षेत्र की समस्या उठाने का मौका दिया। अध्यक्ष जी, मेरे महरौली में डीडीए द्वारा तोड़फोड़ की गई थी और ये मुद्दा मैंने विधानसभा में इस तोड़फोड़ होने से पहले भी उठाया था कि ये इस तरह की वहाँ संभावना है। अध्यक्ष जी, आज जिन लोगों के घर तोड़े गए वो भटक रहे हैं, उनके पास में आधारभूत सेवाएँ सुविधाएँ नहीं हैं, तो मैं आपके माध्यम से दिल्ली सरकार को भी ये निवेदन करूंगा, डीडीए के जो अध्यक्ष हैं वो एलजी साहब हैं, उनसे भी निवेदन करूंगा कि जिन लोगों के घर तोड़े गए हैं उनको आधारभूत सुविधाएं दी जाएं। अध्यक्ष जी, ये जो डेमोलिशन की गई थी ये गलत डिमार्केशन की वजह से की गई थी। ये डिमार्केशन डीएम साउथ के द्वारा डीडीए द्वारा कराई गई दबाव में, जिसमें वहाँ के लोगों को इस डिमार्केशन में शामिल नहीं किया गया, ना उनको कोई नोटिस दिया गया, ना उनको पता चला कि उनका जो घर है वो इस डिमार्केशन की वजह से लद्दा सराय गाँव में आ गए हैं, जबकि वो महरौली गांव में मकान बने हुए हैं सारे। अध्यक्ष जी, ये दो गांव हैं, लद्दा सराय और महरौली गांव, इनका एक बॉर्डर लगता है, लगभग 2 किलोमीटर की लाइन है अध्यक्ष जी। उसमें ये जो एरिया ये बता रहे हैं, इसमें बहुत थोड़ा थोड़ा एरिया उस लाइन के आसपास का है जिसमें ये डेमोलिशन की गई। और अध्यक्ष जी, इस डिमार्केशन के बारे में जब हमें पता चला तो माननीय मंत्री कैलाश गहलोत जी को मुख्यमंत्री साहब ने निर्देश दिए थे कि इसको रद्द किया जाए, इसमें एक नेचुरल जस्टिस का हवाला नहीं दिया गया और ना ही लोगों को इसमें शामिल किया गया। तो अध्यक्ष जी, इसके बावजूद भी ये तोड़फोड़ हुई थी। आज भी अध्यक्ष जी, लोग दहशत में जी रहे हैं, उनको नहीं पता कि कब डीडीए दोबारा से तोड़फोड़ कर देगी, कब वो वहाँ पर आ जाएंगे बुलडोज़र लेकर। तो आपसे निवेदन है, सरकार से मेरा निवेदन है, एलजी साहब से मेरा निवेदन है कि इन लोगों के बारे में सोचा जाए और एक सही डिमार्केशन वहाँ पर करवाई जाए जिसमें इन सब लोगों को शामिल किया जाए। धन्यवाद अध्यक्ष जी, जो आपने मुझे मेरे क्षेत्र की समस्या उठाने का मौका दिया। धन्यवाद।